हेलो गाइस, मैं हूँ निशा और निशा की लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको करी लिप्स के बहुत ही बेहतरीन फ़ायदे बताने वाली हूँ। ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमें फ्रेश लिप लेना है बागान से, तो हम आए हैं बागान में फ्रेश लिप लेने और इसको तोड़ेंगे हम। और इसके बहुत ही बेनिफिट फ़ायदे हैं गाइस, इसे आप अनेक प्रकार से अपने बालों में यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा होता है आपके बालों के लिए। तो मैंने यहाँ से कुछ करी लिप्स के पत्ते तोड़ लिए हैं और इसका रिज़ल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो हमने करी लिप्स ले लेते हैं और इसको कैसे यूज करना है इसे हम आपको वीडियो के थ्रू बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। गैस पर हम भगोने को चढ़ा देंगे जिसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो ये देखिए, हमने एक कप पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर हमने जो करी के पत्ते थे उनके पत्तियों को हम इस पानी में डाल देंगे खौलते हुए पानी में, ताकि इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हो इस सब पानी में अच्छे तरीके से आ जाएं। ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे बालों को मजबूत करता है और रूखे बालों को मुलायम करता है और बालों को ब्लैक करता है। तो हम इसे अच्छे से छन्नी से छान लेंगे और इसे 15-20 मिनट के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए। और ये रेमेडी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है गाइस, तो आप इस तरह से ये रेमेडी को बनाएं और अपने बालों में यूज करें। तो देखिए, हमारा ये ठंडा हो चुका है रेमेडी और मैंने बालों को अच्छे से कॉम कर लिया है। अब हम इसे बालों के जड़ों में अच्छे से लगाएंगे और इसका रिज़ल्ट हम देखेंगे। ये सप्ताह में आप 2 बार इस रेमेडी को यूज करें, देखेंगे गाइस आप इससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आप पाएंगे, जिससे बाल आपके काले, घने और लंबे होंगे और बालों में जितने भी डैंड्रफ होंगे वो भी निकल जाएंगे और बालों में जितने भी वाइट बाल होंगे उसे भी ब्लैक करेंगे और धीरे धीरे सारे बाल ब्लैक हो जाएंगे और इससे बाल काफ़ी सिल्की और शाइनिंग भी होंगे। ये मैं सप्ताह में रोज़ 2 बार यूज करती हूँ, इससे मेरे बाल काफ़ी ब्लैक और शाइनिंग और हेल्दी रहते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप लोग गाइस इसे अपने बालों में ज़रूर ट्राई करें और इसका बेहतरीन रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो मैं देखिए हल्की हल्की हाथों से सारे इस रेमेडी को अपने बालों में लगा लिया है और इसे हल्की हल्की हाथों से हम मसाज करेंगे। कम से कम आप इसे 15 मिनट तक अपने बालों में इसी तरह मसाज करेंगे, जिससे हमारे बालों में अच्छे से ये रेमेडी अच्छे से सोख ले और हमारी जड़ों को अच्छे से मजबूत बनाने में कामयाब हो जाए। तो मैंने सारे बालों में ये रेमेडी शेयर कर ली है और इसे मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। फिर आधे घंटे बाद मैं अपने बालों को ठंडे पानी से वॉश करूंगी, फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी, इससे बाल आपके मेरे बाल किस तरह के दिखते हैं।